तर मी गेलो होतो निघून, कारण नंतर लक्ष झालं तर माप घ्यायच्यात, तर एक दोन तीन माप घेऊ फक्त. अरे अरे अरे, तर एक दोन तीन प्लेटची माप घेतली आणि डायरेक्ट दुकानावर आलो, कारण आपल्याला जायची बाहेर, तर माप देऊ पहिले. काय हे चार दिवस आणि हे माप धारणीचे माप आहे, ते पण होता धारणा, पैसे पण आणले आणि हे पैसे. जायचे का लगेच तिथं? कशाला ठेवले? कशामुळं? तिघांपेक्षा दुसरे गेले परवडत नाही का? आठ तेवीस लाखा ती गाडी घ्यायची. घे बाहेर घे, आता सिग्नल लागले. हाँ मी इधर आके पीछे गए, फिर वो ब्रिज है ना रेलवे का, उधर तक आया सर. वो अच्छा, मतलब इन्हीं से कल अभी सुबह आप ज्यादा फैब्रिक कटिंग उनका ज्यादा है. एक गाड़ी में तीन जाएगा, दूसरी गाड़ी में नगर जा रहा है, ये पुणे में जा रहा है. इसको शुरुआत से एक चीज चेंज किया हमने, पुणे में कलर कलर ये ब्लैक कलर कर दिया है. उनका ये था कि आप कलर अलग कर सकते हो क्या? मैंने बोला ब्लैक कलर कर सकते हैं, बाकी तो सब सेम ही है. ब्लू कलर है अपना, ब्लू ज्यादा चलता है वो ब्लू, और ये अपना पैटर्न है. तो उन्होंने बोला नहीं ब्लैक, लेकिन ब्लैक अच्छा दिख रहा है. हमारे फ्लेक्स के मशीन को भी वही कलर है. अच्छा, फ्लेक्स में भी नॉर्मली देखा जाए वही कलर. नितिन 60 करोड़ डेमो दिखाओ. ये भी ये यहाँ पुणे में जा रही है, विद्यापीठ के पीछे इवेंट एक्सप्रेस करके. अच्छा, उनका लेजर राउटर दोनों का ऑर्डर है. आपल्याला मशीन चालू करून दाखवतात ते सर, तर बघू मशीन वरती काय 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 होत आहे. जो मैंने डाउनलोड करने के लिए दिया था तुम्हें. मैडम का तीन बार फोन आया, मैं तक एक बंद है. आपला असेंबल जी होता का पूर्ण? पूरा ए टू जेड बनाते, असेंबल नहीं पूरा बनाते इधर है क्या? ओके अभी बात भी करता है कितना है वो. हाँ, वो प्रेम करके दिखा देता है ना कि कितने तरीके से मतलब मीडिया में हो रहा है, तो अपने लिए भी इजी हो जाता है कि इतने डिजाइन में हो रहा है. तो अपने लिए इजी क्या होता है कि हम लोग सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं. हुआ है डबल डोर फ्लोर का भी बना. ये रमकान
लकड़ी इंजीन भी कर सकते हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है वो ढोलता छपर वाले जो उसके जो डंडा रहता है हाँ के ऊपर इंजीन करते हैं ना। ये गया था ना नितिन वो आपको गया था ना यहाँ पे नाना पिंड कहाँ पे वो लोग क्या करते हैं नशे के बनाते हैं ना वो इससे उनके इसको पलटो ना एक मिनट पलटो ना ये इंग्रेविंग किया है और ये भी इंग्रेविंग है। ये कस्टमर का एक जॉब था हमने मशीन दिया है तो वो क्या बोले थे नितिन हमें इसका सेटिंग करके दे दो ना उनका एक ही जॉब हो रहा था और वो शीट में फैल रहा था हमने इसको किया और ये इस तभी आपको वो क्लियर होगा। ऊपर ही कट कर रहा हूँ कटिंग का मतलब है वो भी कट कर नितिन एयर कंप्रेसर लगा तो जरा पहले एक ये मैं कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद मुझे बड़ा वाला एयर कंप्रेसर चाहिए। अभी ये देखिए जो अभी हल्का हल्का ना लहरपन डाला सर यहाँ पे हल्का हल्का साइड में आपको ब्लैकनेस दिखाई देगा और मैं अभी बड़ा वाला एयर कंप्रेसर लगा दो ना जो प्रेशर ज्यादा आएगा ना ब्लैकनेस जो है ना वो पूरा कम कर देगा पूरा नहीं कम करेगा 90% तक कम कर देगा। लकड़ी पे ब्लैकनेस अगर ये आ रहा है ना तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आपको एक बॉन्डिंग का एयर कंप्रेसर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा एयर कंप्रेसर अगर आप शॉप में जाओगे तो चाइनीज 6,000 में मिलता है 10,000 में मिलता है वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी जरा एमडीएफ का काम आप कर दोगे अगर आपके एमडीएफ का ज्यादा आया तब हो अभी ये फोकस अप एंड डाउन करने के लिए मटेरियल ह्यात पडणार हे काढून मग मटेरियल काढून घ्यायचं ते एकदम बारीक आहे आता हे 20 mm ह्याला टायमिंग पण थोडं जास्त लागणार ना ते 300 स्पीडवर आहे ना ते स्पीड वाढवू शकतो ना आपण नाही होणार मग mm पर्यंतच देतो ते 20 करू शकतो काही लेरियर काम राहत 20 mm म्हणजे येणार पण नाही 20 mm काम येणार पण नाही हा किती परत जाणारच खाली किती काय पण करा एवढं काही येतच नाही एवढं एवढं नाही जो मेरा बीबी का भाई उससे बात किया वो बोला हमारे अंडर में वो कुछ आता नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं अच्छा वो पुलिस उस मैटर में हट डालती नहीं नहीं डालती वो गाड़ी रोड का नहीं अगर क्या हुआ नहीं अगर कुछ होता ना जैसे मान लो तर आपण इथं परत आलो एक शीट पाहिजे राहिली होती तर ही शीट प्रिंटिंग मध्ये यूज केली जाते तर बारीक जे फुट्टा वगैरे असतो त्यासाठी अभी देख अरे अभी ये पेपर मैं यहाँ पे रखूंगा सर ठीक है तो ये बीच में जो यहाँ पे एयर आ रहा है नीचे जाएगा नीचे जाएगा तो 5 mm फोकस है वो कट ऊपर रहेगा अब इसके लिए क्या है कितना भी एयर प्रेशर करो वो खाली पेपर के लिए पेपर कपड़ा और जो पतले शीट आ रहे जो वेरिएशन होगा ओके उसके लिए ब्लो चालू करो हाई स्पीड
पावर मैंने 25 का रखा था, ब्लैकनेस है पीछे, अभी पावर 10 का रखी है। अब पावर कम किया तो 10-20 का रखिए। फ्रंट बैक कमाए तो ये पूरा 4x3 का रहता है, उससे बड़ा आता ही ना, उससे छोटा आता है तो 3x2 आता है। कमी साखर आहे आपण त्या पण घे पुढे घेच बस 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 शायला। तर मित्रांनो काल आम्ही जाऊन आलो, तर कालचं ब्लॉग एंड करायचं राहिलंय, काल आपण मशीन बुक करून आलोय, त्यांना ॲडव्हान्स वगैरे दिलाय आणि आत्ता काय आलंय आणायची होती, म्हणते म्हणले पितर पाठ म्हणे का आता पितर चालू आलेत ना, तर पितर चालू आले त्यासाठी एक मिनिट हा पितर वगैरे चालू आले त्यासाठी मशीन काय आपल्याला देत नाही, ते म्हणले थोडे दिवस थांबा तुम्ही ॲडव्हान्स दिला आता एवढा 15 दिवस जाऊ द्या, 15 दिवसांनी आपण मशीन देऊ, तोपर्यंत बाकीचं काम उरकून घेऊ आज। तर ब्लॉग आवडला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका तुम्ही। चलो बाय।